सर आज इनॉग्रेशन किया गया है टर्टल रॉक प्रोडक्शन का, तब क्या शुभकामनाएं देना चाहिए? टर्टल रॉक प्रोडक्शन का जो इनॉग्रेशन हुआ है और मुझे लगता है कि सही वक्त पर हुआ है। आज वो वक्त है कि ऐसे प्रोडक्शन हाउसेस की ज़रूरत है इंडस्ट्री को, चाहे वो भोजपुरी इंडस्ट्री हो, चाहे वो हिंदी इंडस्ट्री हो, चाहे वो मराठी इंडस्ट्री हो, कि ऐसे लोग आगे आएंगे तो ताकि बाकी प्रोडक्शन हाउसेस को भी हेल्प हो। मैं 2 साल पहले विनय को मिला था, करीब मेरे ख्याल से मीरा रोड में मेरी मुलाकात हुई थी उससे, तो उसने मुझे उस वक्त कहा था कि भैया मैं एक प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट करने वाला हूँ। तो मैंने इतना लाइटली लिया था क्योंकि मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा कोई बात नहीं, करोगे तो अच्छा है। और इसने मुझे बोला था कि भैया जब भी हम लोग काम करेंगे साथ में करेंगे, मैं ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि ऐसे डेली हमें बहुत लोग मिलते हैं जो हमें ऑफर देते हैं और प्रोडक्शन हाउसेज के बारे में बताते हैं। बट आज खुशी हुई विनय को देख के, विनय के साथियों को देख के, विकास को, अंकुश को, अजय को, ये चारों लोगों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मैं चाहता हूँ कि इनका टर्टल रॉक अच्छा नाम कमाए, बहुत फिल्म बनाए, फाइनेंस करें। जिन प्रोडक्शन हाउसेस को वाकई ज़रूरत है, जिनको वाकई ज़रूरत है, उनकी हेल्प करें, जो कहीं रुक गए हैं या कुछ करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, अच्छे अच्छे उनके पास कॉन्सेप्ट हैं बट वो कुछ कर नहीं पाते, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोगों की हेल्प करें और फिल्म्स बनाएं। मेरी बहुत दिल से दुआ है, बेस्ट विशेज़ हैं और भगवान करे ये बहुत नाम कमाए, बस मैं यही कहूँगा। जी मैं भी इनके हर बात से सहमत हूँ कि टर्टल रॉक जो प्रोडक्शन हाउस है, टैलेंट बहुत है अपने इंडिया में, अपने इंडस्ट्री में, लेकिन टैलेंट आगे नहीं बढ़ पा रहा है क्योंकि सपोर्ट नहीं है। सबसे बड़ा सपोर्ट तो फाइनेंशियली होता है, तो वो सपोर्ट लोगों के पास नहीं रहता, जिसकी वजह से सब चुप बैठ जाते हैं, नहीं कुछ आगे बढ़ पाते, नहीं कर पाते। लेकिन ये अच्छा है कि यहाँ से लोगों को फाइनेंस मिलेगा, वो अपने टैलेंट को आगे बढ़ा पाएंगे, ये सबसे बड़ी ज़रूरी बात है। तो ये चीज़ जो ये प्रोडक्शन हाउस टर्टल रॉक कर रहा है, तो ये बहुत बड़ा काम कर रहा है, और ये अगर कर रहा है और बहुत कामयाबी मिलेगी इसमें, क्योंकि इसके ज़रिए लोगों का जब काम होगा तो वो अच्छा काम होगा, तो नाम तो होना ही होना, नाम तो बहुत आगे बढ़ेगा। और इसके जो पार्टनर हैं विकास अजय, विकास अजय अंकुश, अंकुश अंकुश विकास अजय अंकुश, मैं पहली बार मिल रही हूँ उन लोगों से, इसलिए उनके बारे में मुझे नहीं पता था। और ये विनय, और मैं विनय को पूरा सपोर्ट कर रही हूँ, इन तीनों बच्चों का, चारों बच्चों के मैं पूरे सपोर्ट में हूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जितना हो सके लोगों को मैं यहाँ तक लाऊं और लोग अच्छा काम करें और नाम करें और इस कंपनी का नाम बहुत बहुत ऊंचा जाए। थैंक यू। सबसे पहले मैं आपको अपना परिचय दे दूँ, मैडम मैं कवि शैलेश मिश्र हिमालय। ये जो टर्टल रॉक प्रोडक्शन हमारे मित्र विनय जी ने शुरुआत की है, इसको पूरी पूरी बधाई देना चाहता हूँ। आज इसे मैं पता है कि हमारे पूरे देश की जो आबादी है 35% जो आबादी है जवान है, यंग है, और आज यहाँ पे हमें देखने मिला कि सब चारों जो युवक हैं वो युवा हैं, एकदम युवक हैं, और उनकी सोच इतनी पैनी है, इतनी धारदार है कि निश्चित है उस मंजिल को पालेंगे। और जो उन्होंने विषय लिया है, ये पूरे भारतवर्ष का, पूरे विश्व का विषय है, जो किसान आत्महत्या कर रहा है, आज क्या वजह है कि इतनी सरकारें आ रही हैं जा रही हैं, सब लोग उसकी कोशिश कर रहे हैं मगर उसका कोई हल निकाल पा रहे हैं। शायद इस पिक्चर के माध्यम से उस समस्या का हल निकल जाए और इस देश में जो हमारे शिल्पकार हैं, जो अनाज पैदा करते हैं, जिसके बदौलत हम इन शहरों में राज करते हैं, क्योंकि बगैर अनाज के कुछ संभव हो नहीं सकता है। इसलिए 4 लाइन मुझे याद आ रही दुष्यंत कुमार जी की, कि पीड़ पर्वत से हो या पिघलनी चाहिए और इस हिमालय से कोई नई गंगा निकलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में हो सही, हो कहीं मगर ये आग जलनी चाहिए। तो दोस्तों, और मैं खास करके इस मीडिया का आभारी हूँ, क्योंकि आपके माध्यम से ये बातें जन जन तक पहुँचेगी और जन जन तक जब पहुँचेगी तो उनके मन तक पहुँचेगी। और एक बात और उन्होंने बताई यहाँ पर, उन्होंने ये बताई कि जो लोग हमारे देश में टैलेंट कमी नहीं है, योग्यता कमी नहीं है, क्षमताओं की कमी नहीं है, मगर उन्हें सहारा नहीं मिल पाता है, वो बेसहारा रह जाते हैं और वो एक जलता दीपक वो बुझ जाता है। मैं आशा करता हूँ आने वाले दिनों में ये जो टर्टल रॉक प्रोडक्शन है वो रॉक करेगा और न जाने कितने लोगों के लिए ये दीप स्तंभ बनेगा।
और कितनों के नैया पार कराएगा। मैं फिर से इस हिमालय की तरफ से शैलेश मिश्रा मैं फिर से शुभकामना हार्दिक स्पीच देना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि लोग उस ऊंचाई को पाएं जो सबके दिलों पर राज करे, पूरे भारतवर्ष पर राज करे, भारतवर्ष नहीं पूरे विश्व पर राज करे। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे सर टोटल रॉक को लेकर के यहाँ पे? ये प्रोडक्शन हमारे भाई हैं, हमारा अपना ही है, और काफ़ी लोगों को इनसे बहुत उम्मीदें हैं, हमें भी है, और पूरी सपोर्ट कर रहे हैं हम, और हमारे साथ हमारे दीपक भाई बड़े भैया हैं, हमारे पंजाब से ही हैं, बहुत कैंट एक्टर हैं मज़ेदार, और पूरी सपोर्ट कर रहे ये भी, और मैं भी इन्होंने नाल जुड़िया हुआ। विनय मेरा ब्रदर है छोटा, विनय जी, अजय जी, ते पूरा योगदान असी देवांगे अपना पूरा जी, और साढ़े भाजी भी हेल्प करेंगे। बिल्कुल जी, पूरी शुभकामनाएं मेरी तरफ से, भाई की तरफ से, इनको मेरे भाई हैं ये भी, और नया कर रहे हैं, और जैसा इनका नाम है रॉक वैसा ही रॉक करेंगे, वैसा ही रॉक करेंगे। ओके, थैंक यू जी।